नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Realme C11 में गेम स्पेस आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई लोग गेम खेलते हैं तो उनकी कॉल और मैसेजेस वगैरह आते हैं और वो बीच में उनकी गेम रुक जाती है और या तो हैंग हो जाती है, जिससे आप अपनी गेम को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करनी होती है जिससे आपको कॉल की डिस्टर्बेंस नहीं होगी, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आते हैं और आपकी बैटरी भी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो गेम स्पेस इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप गेम स्पेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक कॉम्पिटिशन मोड का और बैलेंस मोड और लो पावर मोड। अगर आप कॉम्पिटिशन मोड पर क्लिक करते हैं तो आपकी यहाँ पर डेटा ज़्यादा यूज़ होगी और बैटरी का पावर भी यूज़ होगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस के साथ गेम खेलने का मौका मिलेगा, यानी कि आपकी गेम लैक नहीं होगी, हैंग नहीं होगा आपका फ़ोन। अगर आप बैलेंस मोड पे क्लिक करते हैं तो इससे आपका बैटरी जो है नॉर्मल खर्च होगा और इंटरनेट की स्पीड भी कम लगेगी। अगर आपके फ़ोन में बैटरी लो है और आप अपनी गेम खेलना चाहते हैं तब भी, तो आप लो पावर मोड पर क्लिक कर देंगे तो इसमें भी आप गेम खेल सकते हैं। और साइड वाले ऑप्शन को अगर हम देख लेते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको तीन चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लॉक नोटिफिकेशन का, आपका नोटिफिकेशन इस पर ब्लॉक हो जाता है जब आप गेम खेल रहे होते हो तो आपकी स्क्रीन पे कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं करता है। और सेकंड वाले ऑप्शन को अगर आप चूज़ करते हैं तो आपकी कॉल अपने आप ही कट जाएगी आपकी गेम खेलते टाइम। और थर्ड वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी कॉल ब्लॉक हो जाएगी, आपके बैनर पे भी शो नहीं करेगी। और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को अगर आप चूज़ करते हैं तो आपकी जो नोटिफिकेशन है और कॉल है वो सारे आपके डिस्प्ले पे शो करेगा जब आप गेम खेल रहे हैं तब। तो ये सेटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जैसी आपको चाहिए। तो आप इसको बैक कर देंगे और यहाँ पे दो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इस पर क्लिक कर लेंगे और सेटिंग पे चले जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी आपकी गेम है सारी गेम आ जाएगी और आप अपनी गेम यहाँ से मैनेज कर लेंगे कि आपको कौन सी गेम का परफॉर्मेंस बूस्ट करना है। इसके बाद आप बैक कर देंगे और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी गेम हाइड हो जाएगी, आपकी जो गेम्स के आइकन है वो वहाँ पे डिस्प्ले पे शो नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पे अलग सा स्पेस मिल गया है गेम खेलने के लिए, अब आपको यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आप अपनी गेम को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी गेम स्पेस की कुछ सेटिंग जिससे आप अपनी गेम को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट करते रहिएगा। तो गाइस, मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।